हेलो दोस्तों, तो आज सुबह के नाश्ते में मैंने बनाया है मुंबई का फेमस बटाटा वड़ा, जो बहुत ही टेस्टी हुआ था। तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शॉर्ट वीडियो में। उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे कुछ हरी मिर्च, आप अपने तीखेपन के हिसाब से मिर्च एडजस्ट कर सकते हैं। धनिया और कुछ लहसुन की कलियाँ मिला के बस उसको ग्राइंड कर लीजिए बिना पानी के। चार मैंने मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं उबले हुए। कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच तेल डाल के उसमें बस सरसों, जीरा और करी लीव्स डाल दिया है। और ये देखिए, जो हमने मिक्सर बनाया है ना पेस्ट, उसको बस इस तरह से भूनना है। 2-3 मिनट तक भून लीजिए, नमक हल्दी डाल दीजिए और उसके बाद इसमें जो हमने आलू है वो मैश करके डाल दिए हैं, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद उसको हम थोड़ी देर फैन के नीचे रख देंगे ठंडा होने के लिए। और जब तक ये ठंडा होगा हम क्या करेंगे, हम इसके लिए जो बैटर है हमारा बेसन का वो हम बना लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे बेसन लिया है, नमक हल्दी थोड़ा सा डाल देंगे। इसको फ्लोई कंसिस्टेंसी, जब बहुत ज़्यादा ठीक नहीं और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, आप वीडियो में जैसे देख रहे हैं बस उस तरह से मैंने बना लिया है। उसके बाद यहाँ पे ऑयल मैंने पहले से हीट करने के लिए रख दिया था, हीट हो चुका है। ठीक है, सुबह के टाइम ज़्यादा समय नहीं होता, बहुत सारे काम होते हैं, तो आप थोड़ा सा मैनेज करके चलेंगे तो मॉर्निंग में भी आप अच्छा नाश्ता कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस डिप करके बेसन में मैं घोल को, देखिए मैंने थोड़े बड़े साइज़ के वड़े बनाए हैं और उसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। और ये मैंने बहुत ही स्पाइसी बनाया हुआ था, तो आप मिर्ची की क्वांटिटी कम कर लीजिए जितना तीखा आप लोग खाते हो। और यहाँ पे मेरा बटाटा वड़ा बन के रेडी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना।